इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपनी तकदीर के भरोसे रहते हैं, और दूसरे वो जो अपनी तकदीर से लड़ते हुए नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं और इस नामुमकिन सपनों को सपना देखना सिखाते हैं हमारी प्यारी आंखें। जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो देख नहीं सकते, वो अपनी जिंदगी में क्या लक्ष्य लेकर चलते हैं? लक्ष्य भविष्य के लिए पढ़ना लिखना सीखते हैं बच्चे यहाँ पर, और हारमोनियम बजाना है, तबला बजाना है, ये सब कुछ जो है बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर के अपने सभी लग जाते हैं। तो उनके लिए जिंदगी की सोच क्या उन्हीं नॉर्मल लोगों की तरह है जो सड़क पर चलते हैं? बिल्कुल नॉर्मल लोगों की ही तरह है, सिर्फ एक लैंग्वेज ही इनकी अलग है, बाकी नॉर्मल लोगों की तरह इनकी नौकरी लगती है। बाकी यह है कि थोड़ा सा गाइडनेस के लिए इनको हेल्प की जरूरत पड़ती है। ईश्वर की सबसे खूबसूरत देन आंखें, ये आंखें हर एहसास को जाहिर करती हैं, हर गम में, खुशी में और इस दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज को सुंदरता और बदसूरती का नाम देती हैं। ये आंखें, आंखें, लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक आम इंसान की जिंदगी में अगर आंखें ना होती तो उसकी जिंदगी में क्या होता? अंधेरा, अकेलापन या उम्मीद? जी हाँ, ये आंखें जो बचपन से लेकर जिंदगी के हर पड़ाव पर हमें ना जाने कितनी सच्ची झूठी बातों से उभर कर जीना सिखाती हैं। वहीं एक दुनिया ऐसी भी है जो वीरान है, रोशनी से कोसों दूर है, जिसके लिए हर रिश्ता, हर तस्वीर बेमानी है, क्योंकि इन आंखों के बिना हर रंग बेरंग है। यूं तो जीने के लिए सब जीते हैं, लेकिन बिना रोशनी के जिंदगी एक अंधेरे घुटन भरी कोठरी के समान है, जिस घुटन में सांस लेना भी खुद पर एहसान करना लगता है। तो आइए ऐसी ही घुटन भरे अंधेरे को चीरते हुए जीवन जी रहे उन आंखों से, उन लोगों से जाने कि आखिर जिंदगी उनके लिए क्या है, अंधा सच या हर दिन उम्मीदों का एक नया सवेरा। कैसा लगता है? कभी कभी गुस्सा आता है, उदासी? मेरे को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मैम जी अंधेरे की दुनिया में मैं आ गया हूँ, क्योंकि मैं पहले सैटेज की दुनिया में था, तो मेरे को बढ़िया नहीं लगता। मैं सोचता हूँ कि मैं भी सैटेज की तरह रहूँ। क्या बनना चाहते हो बड़े? मैं संगीत टीचर बनना चाहता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम निर्दोष है। निर्दोष, आप जन्म से ही देख नहीं सकते या फिर बाद में? आप मैम, मैं तो बाद में, वैसे मुझे दिखाई देता, ऑपरेशन हुआ था मेरा 2003 में, तो उससे रोशनी कम आई थी, गुरु नानक हॉस्पिटल से हुआ था ऑपरेशन। किस वजह से हो गई है? मैम, मैं बीमार हो गया था, मुझे उल्टी दस्त लग गए थे, उससे बीमार हुआ था। मेरी आँख, मेरी पुतलियों ऊपर चढ़ गई थी, तो गलत इंजेक्शन लगा दिया डॉक्टर ने, उसे जिससे ठंड लगने लगी मुझे बहुत, उससे मेरी आँखों की रोशनी चली गई थी। टोटली 3 साल रहा था मैं ब्लाइंड। कितना परसेंट देख पाते हैं? कितना? 30% देख पाता हूँ, 70% ब्लाइंड हूँ, 30% देख पाता हूँ। अब इस दुनिया को किस नजरिए से देखते हो? मैं इस दुनिया को उस नजर से देखता हूँ जैसे दुनिया देखती है। जो काम आप लोग कर सकते हो वो हम भी कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई हम लोग करते हैं, कंप्यूटर भी चलाते हैं। हमारे एक मित्र था जो बड़ा था, वो बना हुआ है, IAS ऑफिसर बना है अभी उदयपुर में। को जिम्मेदार मानते हैं आंखों की रोशनी? मैं तो किसी को जिम्मेदार नहीं मानता, कोई ना कोई बीमारी होती शरीर में, उससे ही आंखों की रोशनी सूख जाती है या दिखाई देना बंद हो जाता है, या जन्म से ही होता है। ये तो किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके साथ या हमारे साथ, कोई भी हो सकता है, फैमिली के साथ भी हो सकता है ऐसा कुछ। तो डॉक्टर क्या कहते हैं आपको, अगर कभी रोशनी मिलती है तो कब तक ये चीज ठीक हो सकती है? मैम, डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि तुम्हारी एक आंख तो बिल्कुल डेड हो गई है, खराब पूरी, तो एक में थोड़ी रोशनी बढ़ सकती है उम्र के हिसाब से। अब आगे जाके बनना क्या चाहते हो? मैं तो IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। नॉर्मल जिंदगी से अपने आप को अलग फील होता है? नहीं, देखो जी, डिफरेंट तो है, फीलिंग तो होता है कभी कभी, जब नर्वस हो जाता है तो लगता है कभी कभी कि यार ब्लाइंड हो गए, थोड़ा इतनी प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। अदरवाइज अगर जनरल पर्सन होते या नॉर्मल पर्सन होते तो हमारे साथ इस समस्या नहीं होती, तो शायद अच्छा फीलिंग्स होता। तो कभी कभी लगता है, कभी कभी जब हर जगह से मायूसी नजर आती है तब लगता है कभी कभी, तो जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता लाइफ में या कुछ इस प्रकार की कुछ समस्याएं ज्यादा आ जाती हैं, तो उस तरीके से लगता है। नॉर्मल आदमी को भी लगता है, तो हम तो फिर भी हैंडीकैप्ड हैं, ब्लाइंड है, तो फिर ये आँख तो मेन मार्जन होता है आदमी के लिए। तो कभी कभी महसूस होता है, ठोकर लगी, एक्सीडेंट लगे, टकरा के, दीवार से टकरा के, पेड़ से टकरा के,
चलते रहते हैं नॉर्मल भाव से, तो अगर अचानक गाड़ी से टकरा के जैसे ट्रक है, स्टिक नीचे चली जाती है, मत्था सीना लग जाता है, हम सोचते बताओ स्टिक भी काम नहीं कर सकती। तो इस तरह के जो कभी कभी एक्सीडेंट से हो जाते हैं, तो उसमें तो फीलिंग्स लगती है कि यार ब्लाइंड हो गए, काश अगर नॉर्मल होते तो ऐसा नहीं होता। फैमिली का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है आप लोगों का? देखिए जी, फैमिली का तो यह है कि कोई कोई फैमिली ज़्यादातर तो ब्लाइंड जो है नॉर्मली पूरा फैमिली से ही बिलोंग करता है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ट्रीटमेंट नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से भी कई लोगों की आईसाइट चली जाती है। जो बाई बर्थ होते हैं उनकी बात अलग है, तो उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, और जो जिनका हो सकता था तो उस सही टाइम पे जो ट्रीटमेंट ना हो, तो ये एक ऐसी नाजुक चीज़ है कि एक बार अगर डैमेज हो जाए फिर दोबारा हो नहीं सकती। आपका नाम? अनिल कुमार। अनिल, आपको प्रॉब्लम ये बचपन से है ब्लाइंडनेस की या फिर बाद में किसी हादसे? बचपन से ही है जी। क्या हुआ था ये? हमारा बचपन से ये मतलब आंखें शुरू से ही नहीं थी, ऐसा कुछ मतलब बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम किसी कारण से रोशनी गायब हुई या आंखें नहीं थी, जब जन्म से ही ऐसा है। दुनिया को आप किस नजरिए से देखते हैं? अब तो ऐसा कुछ फीलिंग नहीं होता कि हमें मतलब आंखें खराब हो गई तो हमें बहुत अजीब लगता है, क्योंकि अब तो यहाँ पर रहते हुए हमें 14 साल हो गए हैं और बाहर आते जाते हैं, और नॉर्मल जो और भी व्यक्ति हैं उनके साथ रहते हैं, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वैसा कुछ फीलिंग नहीं होता। अनिल, आपके शौक क्या क्या है? हाँ जी, और म्यूजिक में तबले का भी शौक है और गाने सुनने का भी शौक है, और गजल वगैरह पुराने गाने हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं, और सारे का मपा का ऑडिशन होता है उसमें भी हम जाते हैं जब भी कभी मौका मिलता है। वेरी गुड। तो देखा इन लोगों की सूनी आंखें और सोच कितनी उम्मीदों से भरी है। उन आंखों में विश्वास है क्योंकि रोशनी उनसे दूर ही सही, लेकिन एक दिन हम भी देख पाएंगे, ये आस है। पर ये आस तभी पूरी हो सकती है जब आपकी जिंदगी के बुझने से पहले आपकी खूबसूरत आंखों के नाम के दान से उस अंधेरे को रोशनी का मुकाम मिल सके। शायद तभी वो अनदेखी आंखें उस घुटन भरे अंधेरे से उभर पाएंगी।